कुम्हरार वैली का सबसे बेहतरीन एक और होटल की वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। माउंटेन के नाम से है ये, बहुत बेहतरीन। यहाँ पर भी आप रात बैठ सकते हैं, रात को बारबेक्यू और बूम फायर का मुकम्मल यहाँ पर, और ये पानी वगैरह दरिया पंचकूला का आपको नज़र आएगा। ये व्यू बेड होगा, अगर आप यहाँ बैठ के यहाँ से ये मनाजिर देखना चाहें, आपको इंसानों का शोर नहीं, सिर्फ दरिया पंचकूला जो पानी बह रहा है ना, इसी का शोर आपको नजर आएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीद मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीद मजीद। लतदाद रुद अस्सलाम मेरे और आपके प्यारे तसोने तमन्मोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, हमारी काविश है कि हम पाकिस्तान के सभी साथी मकाम की ना सिर्फ ताज़ा तरीन अपडेट दें बल्कि वहाँ पर जो मौजूद होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन भी दें। तो इस दफ़ा कुम्हरार वैली से मैंने सैफुल्ला कुम्हरार साहब को कहा था कि आप कुम्हरार के अंदर जितने भी होटल्स हैं उनका हमने रिव्यू लेके दें, उनकी वीडियोस बना के दें। सस्ता है, महंगा है, जैसा है, अच्छा है, हल्का है, जो भी है, तो कम से कम हमारे जो देखने वाले जो कुम्हरार जा रहे हैं उनको ये पता हो कि कौन सी जगह कैसी है जहाँ पर हमें रहना चाहिए, बजाय इसके कि वहाँ जाके वो ढूंढें। तो उनको कम से कम हमारा जो प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर तमाम किस्म की जो होटलिंग है उसके बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन हो, फिर वो अपनी चॉइस से जहाँ भी रहना चाहें, चाहे वो सस्ते में रहना चाहें या महंगे में रहना चाहें, तो उनकी अपनी मर्ज़ी है। तो इसी सिलसिले की काविश है कि हम गुज़श्ता काफ़ी दिनों से कुम्हरार के होटलों के रिव्यू आपको दिखा रहे हैं। ये माउंटेन लॉजेज एंड रिजॉर्ट है और ये भी कुम्हरार के अंदर है, इसका रिव्यू आज सैफुल्ला भाई देंगे, लेकिन उससे पहले कि उनकी ज़बानी हम सारी वीडियो शुरू करें, आपसे ये दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बरए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का मैसेज आपको मौसूल होता रहे और फिर आप इन्हीं वीडियोज़ की रोशनी में फिर अपना टूर प्लान करें, और ना सिर्फ टूर प्लान करें बल्कि आपको अंदाज़ा हो कि आपने जहाँ जाना है, वहाँ पर रहना है, तो कितनी कॉस्ट आएगी और क्या खराजात होंगे और किस किस्म की अकोमोडेशन वहाँ पर दस्तियाब होगी। चलते हैं अपनी आज की इस वीडियो में, लेकिन साथ ही एक और दरख्वास्त भी है कि अगर आप किसी ऐसे होटल को जानते हैं जिसको दिखाना ज़रूरी है, या कोई होटल का मालिक या कोई और बंदा देख रहा है तो चाहता है कि उनके होटल की वीडियो भी बनाई जाए, तो हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह हम आपकी वीडियो भी अपने चैनल पर पोस्ट करेंगे। तो अभी चलते हैं सैफुल्ला भाई की जानिब, देखते हैं वो हमें वहाँ से क्या अपडेट दे रहे हैं। कुम्हरार वैली का सबसे बेहतरीन एक और होटल की वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, माउंटेन के नाम से है ये, बहुत बेहतरीन किस्म का रिजॉर्ट है। सबसे पहले इसका जो रिसेप्शन है, जहाँ आकर आपने कमरे वगैरह बुक करने हो तो वो यही जगह है, ये रिसेप्शन है। यहाँ बैठने की हवाले से बेहतरीन किस्म की कुर्सियाँ लगाई इन्होंने, रिसेप्शन तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। इसके बाद अगर आप बाहर निकलते हैं, यहाँ भी बैठने की जगह है, यहाँ कुर्सियाँ लगी हुई है, और जिन्होंने अर्दगल गाजी का ड्रामा देखा है, थीर वगैरह भी यहाँ मौजूद है, बच्चों के लिए वॉलीबॉल खेलने की भी जगह है। इधर ये इनका ग्राउंड है, यानी यहाँ पर आप हर जगह कुर्सियाँ लगी हुई, रात को लाइटिंग होती है, ये लाइटिंग आप देख सकते हैं, हर तरह की दरख्तों में भी इन्होंने लगाई है। ये इनका ग्राउंड है, और ग्राउंड के बाद हम आपको यहाँ इनका खाने की जो जगह है वो भी हम दिखाएंगे, उसके बाद हम रूम की तरफ जाएंगे, फिर मैनेजर साहब यहाँ की जो शान है उसके साथ बैठकर उनसे मालूमात कर लेंगे कि इस साल इन्होंने क्या रेट तय किया है अपने रूम का, वो भी बता देंगे। खाने में क्या चीज़ मिलती है वो भी इंशाल्लाह आप देख सकेंगे। यहाँ पर भी आप रात बैठ सकते हैं, खाना खाने की जगह है। ये खाना खाने की जगह है और बार भी इसकी जगह है। ये हाल है खाना खाने का, उसके बाद हम चलेंगे रूम की तरफ, आपने हमारे साथ रहना है, मुकम्मल वीडियो देखनी है, बुकिंग की जो
बुकिंग का तरीका कार है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में शान भाई से बातें करके कि क्या तरीका कार होता है। यहाँ बहुत बेहतरीन किस्म का सिस्टम है वो भी इंशाल्लाह आप देख सकेंगे। आप अगर खाना खाने का जो हाल है ये सामने यहीं से आप निकलते हैं सीधा तो यहाँ अलग से कुर्सियाँ लगी हुई है, साथ दरिया बह रहा है। यहाँ रात को बारबेक्यू और बूम फायर का मुकम्मल यहाँ पर एक निज़ाम होते हैं इनकी तरफ से। उनकी इन्होंने कोई पैसे वगैरह लेना होते हैं फिर वो आपसे खुद बता देंगे कितना लेना है या मैं राबिता कर लूँगा उनका क्या हिसाब किताब होता है यहाँ बूम फायर करने का। ये दरिया के किनारे कुर्सियाँ इनकी लगी हुई है तो यहाँ लोग रात को बैठते हैं, बारबेक्यू का मुकम्मल सेटअप यहाँ लगा होता है। अगर आप कहना चाहें तो वो आपके लिए यहाँ बारबेक्यू करके दे देंगे, अगर आप अंदर खाना चाहें वो भी आपको करके दे देंगे। यहाँ बैठेंगे तो आपको सामने खूबसूरत पहाड़, बेहतरीन किस्म के जंगलात और ये पानी वगैरह दरिया पंचकूला का आपको नज़र आएगा। ये व्यू इस होटल का है, चाहे आप दिन में बैठें रात में बैठें ये खूबसूरत किस्म का व्यू आपको नज़र आएगा दरियाई पंचकूला और साथ माउंटेन होटल लॉज। और इसमें दो किस्म के रूम है वो भी आप देख सकेंगे, लेकिन आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है अगर आप हमसे राबिता करते हैं इंशाल्लाह। इस मरतबा इसका रेट हम देखेंगे ना क्या रेट दे रहे हैं ये लोग, तो इसी हवाले से आपको मुकम्मल पता चल जाएगा कि जून जुलाई अगस्त में इनका रेट थोड़ा बढ़ जाता है या कम हुआ है ये तो भी शान भाई बता देंगे। ये बार का व्यू आपको मैंने दिखाया होटल वगैरह का, और अभी कमरे का मैं वीडियो बनाऊँगा कमरा और उसके बाद शान भाई से बैठ के इंशाल्लाह बात करेंगे। अब हम रूम की तरफ जा रहे हैं कि यहाँ दो किस्म के रूम हैं दोनों आप देख सकेंगे। दरे के किनारे इनके बहुत सारे कमरे हैं, सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे यहाँ का स्वीट्स रूम। आप आ जाओ, ये सामने वाला गेट भी खोल लेना। ये हम दाखिल हो गए स्वीट्स रूम में, ये साथ वाशरूम है कंपाउंड वाला और साथ जो शीशे लगा उस साइड पे आप ये नहाने की जगह है। और इसके बाद ये है होटल का रूम, मास्टर बेड लगा हुआ है। और यहाँ एक कुर्सी अंदर है, एक दो कुर्सियाँ हैं और साथ टीवी लगा हुआ है। ये अलमारी है इनकी और ये होटल का जो छत है दीवार का लकड़ी यहाँ इस्तेमाल हुआ है इनकी तरफ से, बहुत बेहतरीन किस्म का एक होटल है ये वाला। और साथ अगर ये खिड़की खोल देते हैं ये वाले, ये आपका बेड होगा। अगर आप यहाँ बैठ के यहाँ से ये मनाजिर देखना चाहें, आपको इंसानों का शोर नहीं सिर्फ दरिया पंचकूला जो पानी बह रहा है ना इसी का शोर आपको नज़र आएगा। इधर यहाँ से आप बाहर निकलेंगे यहाँ भी टेबल लगे हुए हैं, ये दो रूम एक साथ दूसरे की भी वीडियो दिखाते हैं। यहाँ मास्टर है, वहाँ सिंगल दो बेड लगे हुए हैं। यहाँ कितने बंदे आते हैं ये तो फिर मैनेजर साहब से हम बात करके आपको बता देंगे। और साथ जो डिलेक्स रूम है उसकी वीडियो भी आपको हम दिखा देंगे। ये था आपको स्वीट्स का दिखाया, साथ दूसरा कमरा खोल लें आप, खुला है वो भी। ये दूसरा रूम है इनका, साथ वाशरूम है और उसमें भी वही सेटअप है, लेकिन यहाँ जो बेड में मसले है वहाँ मास्टर है, यहाँ सिंगल दो बेड है और मैटर साहब को मिल जाएगा इनकी तरफ से। उसमें भी बाहर का वही सेटअप है, बाहर कुर्सियाँ यहीं से बैठ के अंदर बैठ के भी आप बाहर के मनाजिर इन्जॉय कर सकते हो, बाहर भी बैठकर रात को भी। इनका बहुत बड़ा बेहतरीन किस्म का एक सेटअप होता है। ये आपको मैंने दिखाया, ये स्वीट्स रूम से हम निकल के आप जाएँगे डिलेक्स की तरफ। ये इनका डिलेक्स रूम है, साथ वॉशरूम, मास्टर बेड और वही सेटअप है उनका, लेकिन ये अलग है। वो दो रूम अटैच है, ये सादा एक रूम अलग ही है। उसमें भी वही मनाजिर वही खूबसूरती आपको नज़र आएगी। यहाँ बैठेंगे तो आप और इसका तरीका कार का और बुकिंग इनका रेट ये क्या होता है ये हम बताएंगे शान भाई से बात करके, फिर आपको इसका मालूम हो जाएगा। अच्छा जी, आपने पहले जो वीडियो देखा है जिसमें मैंने आपको रिसेप्शन दिखाया, खाने खाने की जो जगह है वो दिखाई, बाहर का व्यू दिखाया, यहाँ क्या क्या सेटअप होते हैं, साथ रूम मैंने आपको दिखाया, इनका व्यू दिखाया। अब हम आएंगे शान भाई के पास, आए हुए हैं ये मैनेजर हैं यहाँ के,
आप उनसे براہ راست بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہم سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کا اس سال کیا ریٹ ہے یہ شان بھائی بتائیں گے۔ السلام علیکم، آل ویورز ویلکم مونٹی لاج کمراٹ۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس جو ریزورٹس ہے ون آف دا بیسٹ ہوٹل ان کمراٹ ویلی۔ ہمارے پاس دو ٹائپس کے روم ہیں، ایک فیملی سویٹ ہے اور ایک ڈیلکس روم۔ فیملی سویٹ میں ایک ہی ہٹ میں دو رومز ہیں، ایک ماسٹر بیڈ ہے اور ایک یہ دو سنگل بیڈ۔ ریور سائڈ ہے، بڑی بہترین لوکیشنز ہیں اور بڑا پرسکون ماحول۔ فیملی سویٹ کے ریٹس ہمارے پاس 34,000 پر نائٹ، پلس میٹرس اس میں انکلوڈ ہے، پلس 2% بریک فاسٹ۔ ڈیلکس روم 20,000 پلس 2 میٹرس پلس بریک فاسٹ انکلوڈ ہوگا اس میں۔ اور اللہ کا شکر ہے پنجاب، ہمارا موسٹلی کچن اسٹاف پنجاب سے ہے، بڑا بہترین بڑا پروفیشنل اسٹاف ہے۔ چائنیز، پاکستانی، کوآرڈینیٹرز، ڈیکس، ہر چیز ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ اور ذائقہ تو کھانے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کیا ذائقہ ہے، بٹ وی آر ون آف دا بیسٹ ہوٹل ان کمراٹ۔ اچھا شان بھائی، یہ آپ بتائیں کہ اس کا جو بکنگ کا طریقہ کار ہے جی، وہ کہاں سے یہ لوگ کر لیں؟ نیٹ کے مطلب اگر میپ پہ آتے ہیں اس کے اس طرح کر لیں یا ہم سے جس طرح کر سکتے ہیں آپ بتا دیں؟ بالکل، ہماری لوکیشن ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے، ویب سائٹ پہ ہماری ہر چیز اویلیبل ہے، ہمارے نمبرز اویلیبل ہے۔ اگر ڈائریکٹلی آپ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ویب سائٹ پہ اس کو جا کے سرچ کرنا چاہ رہے ہیں وہاں سے بھی ہماری اویلیبلٹی ہے۔ انسٹا پہ ہمارا پیج ہے، یوٹیوب پہ ہمارا پیج ہے، فیس بک پہ ہمارا پیج ہے، آپ کو ایزیلی ایکسیس مل جائے گی ہر جگہ سے۔ لیکن ہم سے کوئی رابطہ کر لیں کیونکہ ہم نے ہوٹل کی ویڈیو بنائی، اب آگے یوٹیوب پہ دے رہے تو ہم سے مطلب ڈسکاؤنٹ ہوگا؟ آج جی بالکل، سفیلو بھائی ہمارے بڑے پرانے دوست بھی ہیں اور ہمارے کلیبریشن بزنس بھی سمجھے بھی یہ ہمارا ہینڈل کرتے ہیں، اور ان کے لیے اسپیشل پیکجز ہیں ہمارے لیے، ان کے پاس اسپیشل ہم ڈسکاؤنٹ دیں گے ان کو، جو بھی ان کے ریفرنس آئیں گے وہ اسپیشل ڈسکاؤنٹ دیں گے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ شان بھائی، یہاں کے مینیجر ہیں، بہت بہترین قسم کا انسان ہے۔ میں بہت سارے ہوٹلوں میں گھما ہوں، اور کبھی میں ویڈیو ڈالوں گا، آپ دیکھیں گے ان کے مینیجر، لیکن اس بندے کے پاس آپ جب بھی آؤ گے آپ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں گے، شان بھائی کو بھی یاد رکھیں گے۔ بہت بہترین قسم کا انسان ہے، بڑے بڑے ہوٹلوں میں کام کر چکا ہے، مہمانوں کا مزاج یہ چیز اس کو سمجھنا آتی ہے، اس لیے ہم بار بار اس ہوٹل کی ویڈیو دیتے ہیں، ورنہ ہوٹل بہت ہے یہاں پہ۔ صرف شان بھائی کی محبت میں یہ آیا ہوں، میں نے کہا میں اس کی ہوٹل کی بھی ویڈیو دوں، اگر آپ ہم سے بھی آپ رابطہ کرتے ہیں ہم بھی بکنگ کرواتے، ورنہ ہمارے شان بھائی سے کریں، انشاءاللہ آپ یہاں خوش ہو کے جاؤ گے۔ اور اگر یہاں کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہو شان بھائی موجود ہے، فون رابطہ میرا تو اسکرین پر ہوگا، میرا نمبر سفی اللہ کمران ویلی کے نام سے، اور شان بھائی کا نمبر اگر آپ کو چاہیے انشاءاللہ میں آپ کو ضرور دے دوں گا، آپ خود رابطے کریں اسے۔ سچی بھائی ہمارے پاس ہر طرح کے لوگ کی انٹرٹینمنٹ ہے یہاں پہ، بچوں کے لیے علیحدہ انٹرٹینمنٹ ہے جس میں بیڈمنٹن ہے، فٹ بال ہے، کرکٹ ہے، آرچری ہے جو تیر کمان ہوتا ہے، اور ریور کے اندر بھی ہمارے پاس اسپیس ہے جس پہ ہم لوگ کو بیٹھ کے، اب موسم بڑا بہترین ہے یہاں پہ، ریور بڑا انجوائے کریں گے لوگ، تو ہر طرح کی لوگوں کے لیے ہر طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں ہمارے۔